Hey guys, subscribe to my channel and hit the bell icon over there to be notified as soon as I post my new videos. Thank you. मैं हूँ चैत्रा. तो हमारा आज का वीडियो हम लोग देख रहेंगे कि घर पे ही हम लोग कितना आसान से फेशियल कर सकते हैं. और फेशियल का मेन इंग्रेडिएंट है राइस फ्लावर. तो अब चलिए हम लोग देखते हैं कि राइस फ्लावर में हमारा बेनिफिट्स और यूजेस क्या क्या है. दूध में लैक्टिक एसिड है और हमारा स्किन को एक्सफोलिएट करता है और क्लेंज भी करता है और हमारा स्किन कॉम्प्लेक्शन को लाइटन करने में मदद करता है. और मैं इसे अपने स्किन पे लगा रही हूँ ताकि वो मेरा स्किन में क्लेंज हो जाए. क्लेंज होने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ देती हूँ ताकि वो थोड़ा ड्राई हो जाए और ड्राई होने से हमारा स्किन लाइटन हो जाता है. शुगर हमारा स्किन एक्सफोलिएट करता है बिना हार्म किए हुए और हमारा स्किन को नेचुरली फ्रेश और सॉफ्टन रखता है. राइस फ्लावर में नेचुरली एंटी एजिंग और ऑयल अब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टीज है ताकि वो हमारे स्किन से एक्सेस ऑफ ऑयल, एक्ने, डल स्किन ये सारी चीज़ों को निकालता है और हमारा स्किन वाइटन करने में मदद करता है. हनी में नेचुरली एंटी बैक्टीरियल और एंटी ऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टीज है ताकि वो हमारे स्किन से एक्ने, एजिंग ये सारी चीज़ों को निकाल के मॉइस्चराइज करता है, स्मूदन करता है और हमारा स्किन में ग्लोइंग रखता है. अभी आप इन सारी चीज़ों को मिला लीजिए अच्छे से. मिलाते मिलाते मुझे थोड़ा सा थिक हो गया तो मैंने उसमें मिल्क ऐड किया. आप भी रॉ मिल्क यूज़ कर सकते हैं. तो मिल्क ऐड करने के बाद आपको अच्छा रहेगा जब आप फेस पे लगा रहे हैं. तो अभी आप देख सकते हैं कि मैं स्क्रब करने के लिए तैयार हूँ. तो मैं थोड़े से हाथ पे ले रही हूँ. बहुत थिक दिख रहा है लेकिन मैं उसमें और थोड़ा सा रॉ मिल्क ऐड करके हूँ. आप भी ऐसा कर सकते हैं. और हमारा स्किन में अच्छे से मसाज करना चाहिए क्योंकि हमारा स्किन से डेड स्किन निकाले और डेड स्किन्स निकालने के बाद हमारा जो स्किन है वो बहुत अच्छा सॉफ्ट रहेगा. तो आप देख सकते हैं कि ऐसे ही थोड़ी देर के लिए आप अच्छा मसाज करना है. मसाज करने के बाद थोड़ी देर के लिए आप ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा. और आपके नोज़ के ऊपर ज़रूरी है आप देखना क्योंकि उसके ऊपर ब्लैकेज है. ब्लैकेज भी रिमूव हो जाएगा, ब्लैकेज वाइटेज. तो हमारा स्किन में भी थोड़ा सा लगाना पड़ेगा. आप देख सकते हैं अभी क्लोजअप में. अब क्या आप देख सकते हैं मेरे फेस वॉश हो चुका है. वॉश करने के बाद आप टवल से वाइप कर लीजिए अच्छे से. टवल से वाइप करने के बाद नेक्स्ट है स्टीमिंग. स्टीमिंग ज़रूरी होता है क्योंकि हमारा स्किन में जो भी पोर्स है वो ओपन करने में मदद करता है. ओपन करने के बाद हम लोग ब्लैकेज और वाइटेज में रिमूव करना पड़ेगा. उसके लिए हम लोग एक वाइटेज रिमूवर यूज़ करेंगे. तो आप देख सकते हैं और वाइटेज रिमूवर ऐसा रहेगा कुछ. तो उसको मैं पहले स्टीम दिखा रही हूँ क्योंकि वो एक्सट्रैक्ट होना है. और उसको मैं अच्छे से कॉटन में वाइप कर रही हूँ. वाइप करने के बाद हम मेरे जो नोज़ के ऊपर है वो पहले हम लोग करेंगे. नोज़ के ऊपर थोड़ा से थोड़ा निकाल निकाल के एक कॉटन में वाइप कर देती हूँ मैं. और फिर से वही मैं करूँगी. अभी आप फिर से कीजिए ताकि वो क्लीन से निकाल लेता. तो निकालने के बाद आपको थोड़ा बहुत सॉफ्ट और अच्छा दिखेगा जैसा मेरा दिख रहा है. और अभी वक्त है हमारा फेस बैग बनाने के लिए. फेस बैग बनाने के लिए फर्स्ट हम लोग यूज़ करेंगे राइस फ्लावर. टर्मरिक में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है ताकि वो हमारे स्किन में एक्ने को ब्रेकआउट करता है और हमारा पोर्स को टारगेट करता है, साथ ही साथ स्किन क्लियर करता है. लाइम में नेचुरली ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज है ताकि वो हमारा स्किन लाइटन करने में मदद करता है. अभी आप इसको अच्छे से मिला लीजिए. मिलाने के बाद आप थोड़ा सा रोज वाटर ऐड करके इसको अच्छे से एक पेस्ट जैसा मिला दीजिए. अभी आप देख सकते हैं कि ये पेस्ट ऐसा हो गया है और ये रेडी है हम लोग यूज़ करने के लिए. तो अभी आप देख सकते हैं कि मैं इसे कैसा लगाती हूँ अपना फेस पे और नेक पे. और नेक का आप कभी भी भूलिएगा मत. आप नेक के ऊपर भी कॉन्सेंट्रेट कीजिए जितना आप फेस के ऊपर भी कॉन्सेंट्रेट करते हैं क्योंकि वो हमारे कॉम्प्लेक्शन को डिफ्रेंशिएट नहीं दिखना है. इसलिए आप अच्छे से दोनों तरफ भी लगा दीजिए और हमारा जो स्किन कॉम्प्लेक्शन है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस पता चलेगा अगर इसको आप वीकली ट्वाइस कुछ ऐसा यूज करेंगे. तो ज़रूर इसको यूज़ करके देखना है. तो अभी आप देख सकते हैं कि मैं नेक में पूरा लगा के हूँ और थोड़ा सा टिक टिक लगाइए ताकि वो ड्राई होने में अच्छा लगे. तो मेरा हो गया लगा के. आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा दिख रहा है. सो गाइज आई होप आप सभी लोगों को अच्छा लगा हो. तो ज़रूर इसको घर पर ट्राई करिए एक बार तो आपको अच्छा अच्छा रिजल्ट आएगा. तो स्टे ट्यून मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करते रहिए. और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो.